दोस्तों, आप लोगों को मैं कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब फैमिली थी जिसमें 5 लोग रहते थे, माँ बाप और उनके 3 बच्चे। बाप हमेशा बीमार रहता था। एक दिन वो मर गया। उसके बाद पड़ोसियों ने 3 दिन तक उसके घर में खाना भेजा। बाद में भूखे रहने के दिन फिर से आ गए। माँ ने कुछ दिन तक जैसे तैसे बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन कब तक? आखिर फिर से भूखे रहना पड़ा। भूखे रह रहकर 8 साल का बेटा बीमार हो गया और बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन 5 साल की बच्ची ने माँ के कान में पूछा, माँ, भाई कब मरेगा? माँ ने झट से पूछा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जिसे सुनकर आपकी आंख में भी आंसू आ जाएंगे। बच्ची का जवाब था, माँ, पापा मरे थे तो पड़ोसी ने खाना दिया था, अब भाई मरेगा तभी तो पड़ोसी खाना देंगे ना। दोस्तों, खाने में गरीब का भी हक होता है। हम लोग बारात में जाते हैं, पार्टी पे जाते हैं, अपने घर में भी काफ़ी खाना बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों से मेरी विनती होगी कि प्लीज़ उतना ही खाना अपने थाली में रखें जितना आप खा सकते हैं। अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना करें, क्योंकि जिस दाने को हम प्लेट में रखकर और जूठा करके फेंक देते हैं, उसको खाने के लायक बनाने में किसानों ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत के बाद उसको उपजाया होगा, फिर कितना मेहनत करने के बाद उसको खाने लायक बनाया होगा। माँ ने कितनी मेहनत करने के बाद उसको पकाया होगा, फिर वो हमारे थाली तक पहुँची है और हम उसको बिना खाए फेंक देते हैं। तो प्लीज़ अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना होने दें। अगर हमें 2 वक्त का रोटी मिलता है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो प्लीज़ अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना करें। अक्सर हम होटलों में जाते हैं और हम बहुत सारे खाने का ऑर्डर कर देते हैं और आधा आधा खाकर आधे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो खाना बर्बाद जाता है। पैसे हमारे हैं, हम खाने को खरीद सकते हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने का हक हमारा नहीं है, हम उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ होटलों में या भोज में उतना ही ऑर्डर करें जितना आप खा सकते हैं। अपने घर में भी अपने थाली में उतना ही खाना रखवाएं जितना आप खा सकते हैं। अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना करें प्लीज़।